नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी फ्रॉम जीरो लेवल, हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो लेवल विदाउट एनी कोचिंग, बिना किसी कोचिंग को ज्वाइन करने यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी, कैसे यूपीएससी का एग्जाम हम क्रैक कर सकते हैं वो भी जीरो लेवल से बिना किसी कोचिंग को ज्वाइन करने। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे। इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन क्यों करनी है, यूपीएससी क्यों करनी है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे हमें फाउंडेशन कैसे डेवलप करना है। उसके बाद में यूपीएससी का पैटर्न क्या है, किस प्रकार से यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। फिर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। फिर हमें कौन कौन से रिसोर्सेस देखने हैं, टाइम को किस प्रकार से मैनेज करना है, टेस्ट सीरीज कैसे अटेंड करनी है, मॉक जो टेस्ट होते हैं वो कैसे करना है, आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करनी है, उसके बाद में नोट्स किस प्रकार से बनाने हैं, करंट अफेयर कैसे तैयार करना है, न्यूज़पेपर को कैसे रीड करना है, उसके साथ साथ यूपीएससी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम एज क्या है, जो भी कन्फ्यूजन है सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, यूपीएससी क्यों, वाई यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके माइंडसेट में होना चाहिए यूपीएससी ही आपको क्यों करनी है। जब आप सोचते हो कि मुझे अध्ययन करना है, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो आप कुछ माइंडसेट में लेके चलते हो। आपके बैकग्राउंड में कुछ थीम होती है, आपका कुछ विजन होता है। तो आपका विजन क्या है, यूपीएससी को लेके आप क्या सोचते हो, क्यों करना चाहते हो। मोस्ट ऑफ लोग बोलते हैं पावर, पैसा और पोस्ट, ये तीन चीजें हमारा टारगेट है, इसलिए हम यूपीएससी की तैयारी करनी है। इसे कहते हैं 3P का टारगेट। क्या ये सोच के आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? मत करो, छोड़ दो अभी से, नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये जो मोटिवेशन लेके जो लोग तैयारी करते हैं ना, वो आगे कर ही नहीं पाते। यूपीएससी का एक बहुत कम टफ एग्जाम है, ये डराने के लिए नहीं, रियलिटी यही है। यूपीएससी काफी टफ एग्जाम है, काफी लेंथी प्रोसेस है, इसमें काफी वास्ट सिलेबस है, काफी टफ एग्जाम है। अगर ये माइंडसेट में आप लेके करोगे ना तैयारी, कि हम पावर पैसा और पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, मत करो, आपका जो इंटीरियर मोटिवेशन है वो मोटिवेशन एक टाइम के बाद में खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको है ना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होना चाहिए। ये मोटिवेशन है ना आपको खुद के अंदर से आना चाहिए। लोग कहते हैं मोटिवेट से रहे, एक टाइम के बाद में बोर हो जाते हैं, एक टाइम के बाद में मन नहीं लगता है, भाई सब कुछ नहीं करना है। किस लिए तैयारी स्टार्ट करी थी, घर वालों के बारे में सोच लेना है। मैंने है ना इसलिए तैयारी स्टार्ट करी थी, मेरे पे ये मेरे घर वालों की उम्मीद थी, ये सोच के मैंने तैयारी स्टार्ट करी। इतना सोच लो आपका वैसे ही हो जाएगा। तो आपका जो मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। ये नहीं कि मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, दो मिनट यूट्यूब पे जाके फिर यूपीएससी की तैयारी कर ली, अंदर से एक जोश आ गया, 10 महीने बाद में खत्म हो जाएगा। बहुत लंबा प्रोसेस है, कर ही नहीं पाओगे कंटिन्यू। तो सबसे पहले डिसाइड करना मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी क्यों है। इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, हम आपको क्यों देखें आईएएस के रूप में, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो, तो वहां पे ये मोटिवेशन काम आता है, क्यों बनना चाहते हो। एक बार स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ में, एक बार स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ में सोच लो कि आपको बनना क्यों है, क्यों यूपीएससी कर। अगर एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे यूपीएससी इसलिए करना है, तो आप कर पाओगे। इसलिए पहले ये तय कर लो कि मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है और क्यों करना है, ये तय करके ही यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जब ये स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ में आप तय कर लो कि मुझे इसलिए यूपीएससी करना है, मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है और इस फीलिंग के साथ में बनना है, मैं कंटिन्यू मेरे से टाइम दे सकता हूँ, 3 साल तक 4 साल तक मैं कंटिन्यू दे सकता हूँ, तब तक मैं करता रहूंगा, जब तक मेरा नहीं होगा तब तक करता रहूंगा, फिर आप तैयारी करने बैठ जाओ। एक बार अगर तैयारी करने बैठ जाओ फिर मत सोचो कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या नहीं होगा। एक बार तैयारी करने बैठ गए तो कंटिन्यू लेके बैठ जाओ कि मुझे अब तो करके ही रहना है, मुझे फोड़ के रहना है, फिर तैयारी करके बैठ जाओ एक बार। अब ये तो हमने देखना कि यूपीएससी क्यों करना है, एक बार तैयार करके बैठ गए। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, 2 माइंडसेट लेके आना है। क्या 2 माइंडसेट? पहला, करना तो यूपीएससी ही है, कितना भी टाइम लगे यूपीएससी ही करना है। फिर अगर यूपीएससी नहीं, इफ यूपीएससी नॉट देन वॉट, अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो क्या जीवन का एंड है, तो क्या मैं सुसाइड कर लूँ, तो क्या मैं मर जाऊँ? नहीं, अगर यूपीएससी नहीं तो कोई और सही, ठीक है। ये चीज माइंडसेट लेके बैठना। 10 लाख लोग एवरी ईयर फॉर्म भरते हैं, 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं यूपीएससी के लिए, उसमें से 6 से 7 लाख लोग प्रीलिम देते हैं, प्रीलिम में से 12 से 14 हज़ार जनों का प्रीलिम क्लियर होता है। अभी 12 से 14 हज़ार जने जो पीएम प्रीलिम में निकलते हैं, इसमें से मेंस देते हैं, फिर मेंस में से फाइनल रिजल्ट जो निकलता है ना वो 1000 जनों का निकलता है, 100 इसमें से आईएएस बनते हैं। तो ये चीज़ माइंड में देख लेना कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम है। ये डराने के लिए नहीं है, अगेन बोल दूँ, ये डराने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है कि आप हकीकत से वाकिफ हो जाओ। यूपीएससी की रियलिटी यही है कि इतना टफ एग्जाम है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम है।
ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग्स होने चाहिए, गट्स होने चाहिए, तब जाके यूपीएससी निकलता है। ऐसे नहीं कि मन उठा के कभी भी चल दिए और यूपीएससी निकाल लेंगे, नहीं। हमने देख लिया, एक ऐड देखी थी, वहाँ पे गाड़ी देखी थी, लाल बत्ती देखी थी, यूपीएससी कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं। हमने टॉपर्स की एंट्री देख ली थी, हम भी कर लेते हैं यूपीएससी। हमने एक रील देख ली थी, हम भी कर लेते हैं। नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आपको एक फीलिंग्स लेके बैठना होगा, आपको एक जज्बा लेके बैठना होगा। ये सब जज्बा होगा दिल में, तब जाके आप यूपीएससी कर पाओगे। एक बार ये सोच लिया कि हाँ करना है, सारी देख लो कैसा कैलकुलेशन होता है, इतने लोग बैठते हैं उसमें से इतने लोगों का होता है, सारा मैक्सिमम कैलकुलेट करके ही फिर बैठना है कि अब यूपीएससी है। ये सारा दिमाग में बिठा के फिर भी एक बार बैठ गए, फिर नहीं सोचना कि अब क्या होने वाला है, अब तो यूपीएससी करना है। फिर आपने सोच लिया एक बार कि हाँ अब यूपीएससी होगा, कोशिश करेंगे। फिर एक टाइम तय कर लो, मुझे है ना 4 से 5 अटेम्प्ट तक बैठना है। अगर 4 से 5 अटेम्प्ट तक मुझे यूपीएससी मेरा नहीं होता है, फिर मैं कुछ दूसरा ऑप्शन देखूंगा। तो एक बैकअप प्लान लेके बैठना है। अगर माइंड में बैकअप प्लान नहीं है ना, देखो भाई साहब नहीं होगा, बैकअप प्लान लेके ही बैठना है। जिंदगी बहुत ऐसी इतनी आसान नहीं होती है, इतने लोग देते हैं, सबका नहीं होता है, तो आपका बैकअप प्लान जरूर लेना है। बैकअप प्लान नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे टाइम के बाद में। अच्छी आप यूपीएससी की तैयारी करो तो कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, नहीं फिर भी बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए। कुछ भी करो, साथ में कोचिंग की तैयारी करो, पढ़ाने लायक बन जाओ, या तो साथ में कोई और एग्जाम की थोड़ी बहुत देखते रहो, थोड़ा थोड़ा देखते रहो, 3 से 4 साल में कंटिन्यू कर लोगे। तो ये हमने देख लिया, एक बार सब कुछ तय कर लिया। उसके बाद में है ना, अब क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें। हमने सब कुछ देख लिया भाई, बहुत टफ एग्जाम होता है, माइंडसेट कैसे बनाना है, क्यों यूपीएससी करनी है, एक बार सारा सोच लिया, एक बार फीलिंग बिठा दी। अगर आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए होता, कभी फीलिंग बिठा दी, मोटिवेशन नहीं आ रहा, घर वालों का चेहरा देख लो, घर वालों ने आपको क्यों भेजा था, आपकी मम्मी पापा ने आपको क्यों तैयारी करने के लिए भेजा था, एक बार उनका चेहरा देख लो, एक बार उनकी उम्मीद देख लो, आपको अचानक अपने आप से ही मोटिवेशन आ जाएगा। खुद ही खुद को कोसो कि हाँ यार उनकी वजह से मैं कर लेता हूँ, उनके लिए कर लो, खुद से खुद के लिए कर लो यार, मोटिवेशन खुद से लाओ, खुद के बारे में सोचो, अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। साइड में रख दो सारी चीजें, नहीं करना मुझे कुछ, नहीं पढ़ना मुझे फोन में, नहीं आना मुझे ऑनलाइन, इंटरनेट नहीं चाहिए मुझे, इंटरनेट तब तक के लिए चाहिए ओनली मेरा काम है। इंटरनेट में जाओ, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लो, समझ नहीं आ रहा है तो इतना कर लो, बहुत है, बाकी क्यों पढ़ना है। ये सारी चीजें करने के बाद में अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, यूपीएससी योग्यता क्या मांगती है, क्या चीज चाहिए यूपीएससी में एग्जाम देने के लिए। कुछ नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो। ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज वगैरह की आवश्यकता होती है? कोई परसेंटेज की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री है, फाइनल ईयर का एग्जाम दे चुके हो, तो भी दे सकते हो, क्योंकि जब तक मेंस का एग्जाम होगा तब तक आपकी डिग्री आ जाएगी। तो ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप एग्जाम दे सकते हो। तो इतनी चीज़ आपको होनी चाहिए। अगर एमबीबीएस कर रहे हो तो एमबीबीएस की फाइनल डिग्री होनी चाहिए। और ये ग्रेजुएशन कर रहे हो किसी वैलिडिटी वाली किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, ऐसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो जिसे आप है ना वैलिड हो, ऐसी नहीं कि किसी रैंडम यूनिवर्सिटी से कर रहे हो जहाँ की कोई मान्यता नहीं। तो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ले लो, आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो। अब हमने ग्रेजुएशन भी कर ली, माइंडसेट भी बिठा दिया, अब इसके बाद में क्या होगा। हमने हमारे पास में ग्रेजुएशन की डिग्री ये तो पता चल गया, अब थोड़ा एज के बारे में कन्फ्यूजन रहता है कि एज क्या चाहिए यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए। एज चाहिए मिनिमम 21 वर्ष, ठीक है। अब 21 वर्ष कहाँ से काउंट होगी, आपका बर्थ कब हुआ था। जैसे इस बार 2024 में एग्जाम होने वाला है, ठीक है, 2024 में प्रीलिम का एग्जाम होने वाला है, और इसके फॉर्म भरे जा रहे थे फेब और मार्च में, इसके फॉर्म भरे जा रहे थे, तो उसमें एज क्या मानी जाएगी, कौन किस ईयर में उसका बर्थ हुआ वो माना जाएगा। तो जिस व्यक्ति का जन्म है वो हुआ है 2002 अगस्त में, वो फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। कैसे, अगस्त 2002 से आप है ना 21 वर्ष के हो जाते हो 2024 तक, अगर इसका इस डेट पे बर्थ हुआ है आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये मिनिमम एज है, वो 21 वर्ष की मान लेना, आप काउंट कर लेना आपका जब जन्म हुआ था और जब फॉर्म भरा जा रहा है उसके बीच में आपकी 21 वर्ष की एज हो जाती है। ये देख लो, 1 अगस्त 2002 को अगर आपका जन्म हुआ है तो आप यूपीएससी का प्रीलिम का एग्जाम देने के लिए, फॉर्म भरने के लिए वैलिड हो, आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि ये आपकी एज है वो मिनिमम 21 साल हो जाती है। तो ये चीज़ माइंड में रखना है कि मिनिमम एज है वो 21 साल की है, उसको एज देने के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हो। और जो एज है मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम 1991 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। वो अलग अलग होता है किसी का, मतलब वो तो हो जाता है सेक्शन वाइज, ओबीसी में हो, एससी में हो, एसटी में हो, जनरल में, उसके अकॉर्डिंग अलग हो जाता है। बट मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 32 वर्ष ये माइंड में रह के चलो, इन दोनों के बीच में होता है। तो ये देख लो, आईएएस के लिए मिनिमम एज है वो 21 वर्ष है, मैक्सिमम है 32 वर्ष, ये हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, 21 और 32 ईडब्ल्यूएस के लिए, आरक्षण वाला होता है ना ईडब्ल्यूएस, उसके लिए भी। फिर एससी एसटी के लिए 21 और 37 वर्ष के लिए, और ओबीसी के लिए 21 और 35 वर्ष के लिए। ये एज क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में आते हो और आपकी एज क्या है, ये पता होकर आप तैयारी करने बैठ सकते हो, ठीक है जी। ये फिर वापस देख लो एज लिमिटेशन के बारे में, अटेम्प्ट कितने होते हैं, जनरल 6 अटेम्प्ट होते हैं, ओबीसी 9 अटेम्प्ट होते हैं, ओबीसी और एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, कोई आपके अटेम्प्ट करनी है
37 साल तक आप एज दे सकते हो, 37 साल तक जितने भी अटेम्प्ट देना चाहो उतने दे सकते हो। फिर जो डिसेबल होते हैं उनके लिए 35 और 9 अटेम्प्ट में। फिर एक्स सर्विस मैन 37, अगर वो सर्विस में या रिटायर्ड है उनके लिए 37 और 9 अटेम्प्ट है। फिर 42 है पर्सन बिस्मार्क होते हैं EWS है, ये सारी गतिविधियाँ, और वो भी कहीं वो पर्सन काम कर चुका है तो 42 ईयर है। तो आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए एज क्राइटेरिया क्या, आपको अपनी दृष्टि से देख लेना आप किस में आते हो, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें एज क्या है, रिलैक्सेशन क्या है, अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, OBC जनरल SC ST के ये सारे अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है जी, अब हमने देख लिया इसमें एलिजिबिलिटी नेशनलिटी क्या होनी। IAS और IPS के लिए आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, भारतीय होना जरूरी है। IAS और IPS की बात करें तो उसके लिए आपको भारतीय होना जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा जो होता है IRS है, ठीक है, IFOS है, और दूसरी जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको इंडियन होने की जरूरत। इंडिया के साथ में नेपाली भी दे सकते हो, भूटान वाले भी कुछ लोग दे सकते हैं, कुछ तिब्बती पर्सन है जो इंडिया में रहते हैं वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट जहाँ आपको IAS और IPS बनना है उसके लिए आपको भारतीय होना जरूरी है, क्योंकि ये तो पूरी देश की इकोसिस्टम संभालते हैं ना IAS IPS, तो इसके लिए भारतीय होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो पूरा देश का सिस्टम बिगड़ जाएगा। अब ये तो हमने देख लिया एलिजिबिलिटी के बारे में, अब हम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम का पैटर्न कैसे है, UPSC का जो एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार का है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। UPSC का जो एग्जाम है वो तीन स्टेज में होता है, तीन चरण होते हैं UPSC के एग्जाम की, 3 स्टेज होते हैं। अब स्टेज कौन कौन से, तो पहला होता है प्री का, पहले UPSC में प्रीलिम होता है, प्रारंभिक एग्जाम होता है, उसके बाद में होता है मेंस मुख्य एग्जाम, और उसके बाद में होता है इंटरव्यू साक्षात्कार। ये होता है आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, इसमें मेंस में चित्र लिखना होता है, प्रीलिम में इसमें होता है MCQs आते हैं वो सिलेक्ट करने होते हैं। तो इसमें तीन प्रकार का प्रोसेस है, ये तीन स्टेज का एग्जाम होता है। तो ये माइंड में बिठा लिया कितने स्टेज होते हैं, 3 स्टेज होते हैं। 3 स्टेज हमने देख लिया, पहला प्रारंभिक, फिर मुख्य, फिर होता साक्षात्कार, 3 स्टेज देख लिया। अब इसमें प्रीलिम के बारे में बात करें तो प्रीलिम कैसे एग्जाम होता है, प्रीलिम में MCQs आते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं, ये होते हैं 200 नंबर के, ठीक है जी। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। कितने घंटों का एग्जाम होता है, दो घंटों का एग्जाम होता है, क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक OMR आएगी उसमें आपको क्वेश्चन भरने होते हैं, ठीक है जी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग होती है, हाँ इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी, 100 क्वेश्चन है 200 मार्क्स है, 2 घंटे हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है पेपर है वो CSET का, यानी प्रीलिम के 2 पेपर होते हैं, एक होता है आपके 11 से 2 तक का, फिर होता है 2 से 4, ये भी 2 घंटे का होता है, ठीक है, तो 2-2 घंटे के एग्जाम होते हैं। तो दूसरा पेपर होता है वो CSET का होता है, जनरल स्टडी का CSET का पेपर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें रीजनिंग प्लस मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वो होते हैं। ये टोटल कितने नंबर का होता है, ये टोटल 200 नंबर का होता है, और जो क्वेश्चन कितने आते हैं, इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, टोटल 80 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का है। समय कितना होता है, इसमें भी 2 घंटे का है, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। अब ये जो है ना, ये क्वालिफाई होता है, मतलब इसमें है ना ओनली 33% आपको लाने हैं, 33% यानी कि 60 नंबर आपको लेके आना है तो आपका CSET हो जाएगा। CSET है ना, CSET के लिए आपको मेरिट नहीं निकलती, ये जो है ना पहला GS का पेपर इसमें मेरिट निकलती है, ये जो मेरिट है यूजुअली जाती है, अगर आपके नंबर है ना 100 आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, यूजुअली इसके आसपास ही मेरिट रहती है। बट CSET है वो क्वालिफाइंग है, आपके 66 नंबर आए तो आप CSET निकाल लोगे। टोटल 400 नंबर के होते हैं, इसमें 33% आपको लेके आना है तो आपका CSET हो जाएगा। तो ये हो गया प्रीलिम के बारे में। मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, मेंस का 5 से 7 दिन चलता है, टोटल इसमें 9 पेपर होते हैं, तो 5 से 7 दिन का एग्जाम होता है, टोटल 9 पेपर होते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्ट 2 पेपर होते हैं, एक होता है हिंदी, एक तो होता है हिंदी कंपलसरी या इंग्लिश कंपलसरी, और एक होता है जनरल, कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। तो ये जो 2 पेपर होते हैं ना, ये होते हैं कंपलसरी, इसमें 33% लाने होते हैं, तो इसमें आपको आवश्यकता नहीं है इस कट ऑफ क्लियर करने की, बाकी जो पेपर होते हैं उसमें आपको कट ऑफ की आवश्यकता होती है। तो ये जो पहले देखो पेपर ए है ना, कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, इंडियन की कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो। दूसरा है कंपलसरी इंग्लिश, यानी कि हिंदी गुजराती, इसमें कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भारतीय भाषा है हमारे संविधान में दे रखी है, संविधान में जो 22 भाषाएं, 22 में से आप कौन सी भी भाषा चुनाव कर सकते हो, बट जो इंग्लिश है वो कंपलसरी है। तो ये दोनों है ना, इसमें आपको 33% लाने, इन दोनों में से कोई भी आप दोगे तो दोनों में से 33% इसमें 33% आने हैं, तो आपको मेरिट की आवश्यकता नहीं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये दोनों क्वालिफाइंग होते हैं, बाकी जो पेपर बचे वो क्वालिफाइंग नहीं होते, उसमें मेरिट निकलती है। तो बाकी पेपर कितने होते हैं, एक होता है GS पेपर 1, ये पेपर 1 होता है, ये SA का होता है, 3 घंटे का होता है, 250 नंबर के होते हैं, ठीक है। मार्क्स कितने, 250 ये मार्क्स होते हैं। फिर पेपर 2, ये होता है GS पेपर 1, GS 1 की स्टडी होती है, तो इसमें 3 घंटे का होता है, ये भी 250 मार्क्स का होता है। फिर पेपर 3, ये
पेपर थर्ड में कौन आता है, जीएस सेकंड आता है, ठीक है, पेपर थर्ड में जीएस सेकंड, ये कन्फ्यूजन मत करना, पेपर फर्स्ट ऐसे का है, पेपर सेकंड जीएस फर्स्ट है, पेपर सेकंड में जीएस फर्स्ट आ रही है, पेपर थर्ड में जीएस सेकंड आ रहा है, ये भी 3 घंटे का 250 नंबर का, पेपर फोर्थ जीएस थर्ड 3 घंटे का 250 नंबर का, पेपर फिफ्थ जीएस फोर्थ 3 घंटे का और 250 नंबर का, फिर है ऑप्शनल, ऑप्शनल सिक्स्थ ऑप्शनल सेवन्थ ऑप्शनल, ये दोनों ऑप्शनल के होते हैं, 3-3 घंटे के 250-250 नंबर के होते हैं। तो ये चीज़ आपने देख ली, पहले 2 पेपर होते हैं कंपल्सरी लैंग्वेज के होते हैं, एक इंग्लिश का, एक कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज का, 3-3 घंटे का होते हैं, 300-300 नंबर के। फिर हमने देख लिया ऐसे जीएस पेपर वन में आता है 3 घंटे का 250 नंबर का, फिर पेपर सेकंड जीएस वन 3 घंटे का 250, पेपर थर्ड जीएस टू 3 घंटे का 250, पेपर फोर्थ जीएस थर्ड 3 घंटे का 250, और पेपर फिफ्थ ये होता है जनरल स्टडी फोर्थ 3 घंटे का 250, फिर ऑप्शनल ऑप्शनल ये 250-250 के होते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाती मेंस में, मेंस का आपको समझ में आ गया। फिर हमने देख लिया कितने कितने परसेंट का आपकी आवश्यकता होती है, ये पेपर ए और बी है उसमें 33% होता है, इसमें आपको आवश्यकता नहीं है कि आप वो कट ऑफ को कवर करो, ठीक है जी। ये देख लो अब जीएस वन में क्या होता है, जीएस वन में ये सब्जेक्ट आती है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, सोसाइटी, ये आते हैं जीएस वन में। जीएस सेकंड में क्या होता है, गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी पूछी जाती है, सोशल जस्टिस है और इंटरनेशनल रिलेशन, ये सेकंड में आते हैं। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कहीं आर्टिकल पढ़ रहे हो न्यूज़ का, तो ये कौन से सब्जेक्ट का होगा, थोड़ा बहुत आपको है ना इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो जीएस वन में क्या आता है, जीएस वन में देखो हिस्ट्री आ रहा है, ज्योग्राफी आ रहा है, ज्योग्राफी वर्ल्ड की, सोसाइटी है और इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर है। तो कल्चर, हेरिटेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, ये आ रहा है वन में। सेकंड में, सेकंड गवर्नर है, गवर्नेंस है, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल, तो पॉलिटी से संबंधित जो मुद्दे हैं ना वो सेकंड में आ रहे हैं। थर्ड में क्या आ रहा है, इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है, एनवायरमेंट है, ये मैंने सिक्योरिटी डिजास्टर है, ये थर्ड में आ रहे हैं। तो फर्स्ट में हिस्ट्री है, सेकंड में पॉलिटी है, थर्ड में इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट, वो थर्ड में आ रहे हैं। और फोर्थ होता है उसमें एथिक्स है, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड है, फोर्थ में आ रहे हैं। तो आप कन्फ्यूज मत ना, फर्स्ट हिस्ट्री से संबंधित है, हिस्ट्री ज्योग्राफी का कुछ पार्ट है, कुछ आर्ट एंड कल्चर का है, कुछ सोसाइटी का है। सेकंड में गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, पॉलिटी का, सोशल जस्टिस का है और इंटरनेशनल रिलेशन का। थर्ड में टेक्नोलॉजी की बात करता है, थर्ड एनवायरमेंट की बात करता है, थर्ड इकोनॉमी के बारे में बात करता है, थर्ड सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करता है, फोर्थ तो इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड वो है, और ऐसे का तो आपको पता ही होगा जो पहला पेपर होता है वो ऐसे का संबंधित होता है। तो ये अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। पहले तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज कैसे करना है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शनल की पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब जीएस के बारे में बात करोगे, जीएस के जितने भी पेपर होते हैं ना, ये देख लो जीएस वन हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो और फाइव हो, जितने भी जीएस के पेपर हैं इन दोनों को छोड़ के बाकी जो जीएस के पेपर हैं यहाँ तक, इनमें है ना 300-300 के नंबर के होते हैं, और इसकी जब आप मेरिट देखोगे 100-150 से ज़्यादा नंबर आते नहीं है इनमें। तो 100 नंबर, ये चार पेपर मान लो जीएस के, 5 पेपर, इन 5 में आपके नंबर आएंगे 500 या 400 मान लो, इससे ज़्यादा नंबर आते नहीं, बहुत टफ एग्ज़ाम होता है तो इस पर ज़्यादा नंबर आते नहीं। आपको है ना ऑप्शनल पे ध्यान देना है, ऑप्शनल 250-250 नंबर के होते हैं, इन दोनों पे अगर फोकस करोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ऑप्शनल 500 में से अगर आप 300 ले आते हो, ठीक है, और यहाँ से आपको 500 आ जाते हैं तो आपके 800 नंबर हो जाते हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। 700 भी आ जाते हैं ना, और 100-150 उसमें इंटरव्यू मांगी तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, आपके ऑप्शनल अच्छी होनी चाहिए, आप ऑप्शनल में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो देखो ये चीज़ पता होनी चाहिए, ऑप्शनल को चूज़ करना है उससे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए हमारा इंटरेस्ट किस में, आपका पहले ग्रेजुएशन किस में है। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन मेरा मैथ्स से है तो मैं मैथ्स ले लूँ, नहीं, बहुत टफ होता मैथ्स का, मत लेना, मतलब लेना चाहो तो आप ले सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में होना चाहिए क्योंकि काफ़ी वास्ट है, आप कंटिन्यू पढ़ना है, तो कंटिन्यू पढ़ नहीं पाओगे, बोर हो जाओगे। तो सबसे पहले देखना आपका इंटरेस्ट कैसा है, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। जैसे मेरे को हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है कि मैं हिस्ट्री पढ़ सकता हूँ लंबे समय तक, नहीं भी हुआ तो मैं लंबे समय तक पढ़ सकता हूँ, रिवाइज कर सकता हूँ, तो पहले हिस्ट्री ले लो, मतलब मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, या फिर ज्योग्राफी ले लो। तो आपको पहले ये चीज़ें ध्यान रखनी, एक तो उसकी रिसोर्सेज अवेलेबल हो, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इनके रिसोर्सेज अवेलेबल है। कोई अगर आप मेंटोर चूज करना चाहो तो अच्छा मेंटोर अवेलेबल हो, ठीक है, सिलेबस ज़्यादा वास्ट ना हो, काफ़ी लंबी चौड़ी ना हो, जैसे हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। फिर स्कोरिंग हो, ये चीज़ तो फिर फोकस करना है, मतलब उस पर स्कोर बन रहा नहीं बने, जैसे सोशियोलॉजी अच्छी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपको स्कोरिंग भी होनी चाहिए, साथ में बोरिंग भी ना हो, आपको बोर ना करा, लंबे समय तक पढ़ भी पाओ। फिर आपको कुछ संबंध भी होना चाहिए, जैसे आप ग्रेजुएशन में हो या आपने स्कूल में उसमें इंटरेस्ट था तो वो भी पता होनी चाहिए। ये कुछ आपके पॉइंट है, ये चीज़ माइंड में रखोगे तो आप ऑप्शनल को अच्छे से चूज कर पाओगे। तो ऑप्शनल चूज करने का मुख्य कारण है, मतलब मुख्य जो उद्देश्य होना चाहिए
वो आपका एग्जाम में सिलेक्शन लेना, आपका इंटरेस्ट डेवलप करना और लंबे समय तक आप पढ़ पाओ, ऐसी सब्जेक्ट को आपको ऑप्शनल चूज करना है। तो ये सारी होती है एग्रीकल्चर है, जियोलॉजी, ये सारी ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है, और भी बहुत सारी है, उसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो ऑप्शनल के रूप में। ठीक है जी, ये सारा ऑप्शनल। एक बार देखो, ऑप्शनल को 2-3 महीने टाइम देना है। अगर ऑप्शनल आपका नहीं आ रहा समझ में तो तुरंत चेंज कर लो। एक बार आप चेंज, पूरा अटेम्प्ट बिगड़ गया, एक बार आपने सेलेक्ट कर ली, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में चेंज कर पाओगे। तो सब कुछ सोच के ही आपको ऑप्शनल तय करनी है। तो ऑप्शनल आपकी वही करनी थे जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। एक बार ऑप्शनल सेलेक्ट करनी, फिर कंटिन्यू तैयारी करो, कंटिन्यू रिवाइज करो, शॉर्ट्स नोट्स बनाओ, इस प्रकार से आप ऑप्शनल को तैयार कर सकते हो। फिर ऑप्शनल के बाद में तीसरा स्टेज आता है, वो आता है इंटरव्यू का। हमने देख लिया प्री, उसके बाद में हमने मेंस देख लिया, उसके बाद थर्ड आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है, 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। महत्व होता है इसमें पर्सनलिटी टेस्ट देखी जाती है। तो ये तो बाद में देखना, पहले तो प्री मेंस पे फोकस करो। ठीक है, अब प्री मेंस पे फोकस करना। प्रीलिम का पहले सिलेबस देख लेते हैं। प्रीलिम का सिलेबस क्या है यूपीएससी के लिए? पैटर्न तो हमने देख लिया, सिलेबस के बारे में बात करें तो इसमें दो कंपलसरी पेपर होते हैं, GS1, दूसरा होता है CSET का। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं GS1 में, CSET में आते हैं 80 क्वेश्चन आते हैं। 400 नंबर का होता है, 200 नंबर का GS होता है, 200 नंबर का CSET होता है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और CSET होता है, CSET क्वालिफाइंग होती है, यानी 66 मार्क आपको लेके आना है। टाइम क्या होता है? 9:30 से 11:30 का टाइम होता है और 2:30 से 4:30 का टाइम होता है। टाइमिंग भी आपको पता होनी चाहिए कि कितने घंटे का पेपर होता है इसमें। अब सिलेबस देख लो, दिल्ली में GS1 है उसमें क्या सिलेबस होता है? करंट इवेंट है, इंटरनेशनल इंपोर्टेंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, सोशल इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज है, पब्लिक पॉलिसी है, राइट्स है। ये तो सारी सिलेबस है, आपको सिलेबस एक बार देख लेना ध्यान से। बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट वगैरह क्या क्या चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें, सारी चीज़ें पढ़ लो, यूपीएससी में तो सारी काम आने वाली है। तो ऐसी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पूछी जा सकती है। तो ठीक है, एक बार सिलेबस देख लिया। फिर CSET में कॉम्प्रिहेंशन है, स्किल है, लॉजिकल रीजनिंग है, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ये CSET का सिलेबस, CSET का भी एक बार देख लिया, दोनों के सिलेबस देख लिए। अब हम बात कर लेते हैं मेंस में क्या क्या सिलेबस है। मेंस का GS1 का ये सारा सिलेबस है। इंडियन हेरिटेज हमने देख लिया था, हिस्ट्री है, कुछ ज्योग्राफी का होता है, कुछ सोसाइटी का होता है। तो ये सारा GS1 का सिलेबस है। GS1 का सिलेबस एक बार देखो, पता होना चाहिए, सिलेबस माइंड में होना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हो तो आप क्या पढ़ रहे हो, आपके लिए कहाँ इंपॉर्टेंट है, तो इतना थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आप पढ़ोगे तब, मतलब एग्जाम न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट आपको पता तो है ना न्यूज़पेपर पढ़ क्यों रहे हैं, ये कहाँ काम करने आने वाला है, तो थोड़े बहुत तो आइडिया आपको होना ही चाहिए। फिर GS2 का ये सिलेबस है, ये सिलेबस GS2 में देख लो, पॉलिटी है, जुडिशरी है, तो ये सारी चीज़ें तो सिलेबस पता होना चाहिए ताकि हम अच्छे से पढ़ पाए। फिर GS3 का ये सिलेबस देख लो सारा। ठीक है, ये GS3 का ये सारा ही दे रखा है, एक बार आप माइंड से घुमाओगे तो आपको समझ में आएगा GS4 का है। ठीक है, तो आपको सिलेबस एक बार पूरा समझ में आ जाएगा, सिलेबस एक बार देख लो, उसके बाद में क्या पढ़ना ईजी हो जाओगे। और ऐसे में क्या क्या पूछते हैं, ये ऐसे का सिलेबस हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। फिर क्वालिफाई पेपर होते हैं, एक तो होता है आपका इंग्लिश का, दूसरा कोई भी हिंदी लैंग्वेज का, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लो, उस हिसाब से आप पढ़ सकते हो। अब हम देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है प्रीलिम में, वो एक बार थोड़ा बहुत देख लेते हैं ताकि क्या हो जाएगा, ताकि हमें समझ जाएगा यूपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है। तो 2011 से 2023 तक यूपीएससी ने कौन सी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये देखो करंट अफेयर से 2023 में करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन आए थे, 22 में 15, 17, 18, 20, तो एवरी ईयर यूपीएससी है तो 20 क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर से। अब करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो या तो बहुत टफ होते हैं या मीडियम होते हैं, ईजी लेवल के करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हम बाद में देखेंगे करंट अफेयर कैसे तैयार करना, तो आप माइंड में डाल लो यूपीएससी में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो टफ टू मीडियम होते हैं, ईजी क्वेश्चन होते नहीं है। अब तो आपको करंट अफेयर जब पढ़ोगे तो आपके माइंड सेट में ये होना चाहिए कि करंट अफेयर के अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो मेरा टारगेट है कि मेरे को 10 क्वेश्चन सॉल्व करने, इससे ज़्यादा होंगे भी नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होंगे, वो करंट अफेयर से आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो आप उसे सॉल्व कर नहीं पाओगे क्योंकि उसका पूछने का पैटर्न बहुत ज़्यादा है। कोई छोटी सी रिपोर्ट उठा के उसका कोई पॉइंट पूछ लिया, आपको इतना याद ही नहीं रहेगा, मुख्य एग्जाम में आपको याद ही नहीं आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो करंट अफेयर पे ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से करंट अफेयर पे निर्भर होगा, 24 घंटे करंट अफेयर पढ़े जा रहे हो, नहीं, एक टाइम फिक्स कर लो, एक घंटा है वो करंट अफेयर को देना, तो ऐसे फिक्स कर लो कि मेरे को इतने टाइम है वो करंट अफेयर को देना। फिर एनवायरमेंट से, एनवायरमेंट में अभी यूपीएससी है ना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है, हर साल इसके क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी टफ भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एनवायरमेंट के जो क्वेश्चन होते टफ टू मीडियम होते, कुछ क्वेश्चन ईजी भी होते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो टफ मीडियम ईजी होते, ज़्यादातर क्वेश्चन एनवायरमेंट के बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। तो एनवायरमेंट में भी आप फोकस करना है कि 3 से 5 क्वेश्चन है वो एनवायरमेंट के सॉल्व कर लो तो बहुत है। तो एनवायरमेंट जब पढ़ रहे हो ना तो ऐसा फोकस करना कि हम है ना 3 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, जो बेसिक बेसिक चीज़ है वो तो आपको पता होनी चाहिए, बाकी एडवांस में तो जाने की आवश्यकता नहीं कि वो तो किसी से सॉल्व नहीं होने तो आपसे भी नहीं होने। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ये क्वेश्चन होते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं,
क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, टफ टू मीडियम होता है, ये काफी टफ क्वेश्चन होते हैं। तो आपका टारगेट होना चाहिए बेसिक चीजें जो सबको पता है, वो आपको भी पता होना चाहिए, एडवांस में जाने की आवश्यकता है नहीं। तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो बेसिक लेवल के आएंगे, मतलब बेसिक लेवल के आप सॉल्व कर लो, तो बाकी एडवांस में आपको जाने की आवश्यकता नहीं। फिर इकोनॉमी में जो मीडियम ईजी टफ तीनों के क्वेश्चन होते हैं, मीडियम ईजी ज़्यादा होते हैं, टफ के थोड़े कम होते हैं। इकोनॉमी आप सॉल्व कर सकते हो, इकोनॉमी 15 से 20 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, इकोनॉमी के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। फिर पॉलिटी की ये आप सॉल्व कर सकते हो, ये आपका स्ट्रांग एरिया होना चाहिए। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये जो चार सब्जेक्ट हैं ये आपके कोर सब्जेक्ट मानी जाती है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस पे फोकस करो, पहले इन चारों पे फोकस कर लो और फिर करंट अफेयर पे फोकस कर लो। इन पे अगर आप फोकस करते हो तो ये चारों चीज़ें आपकी प्रीलिम में काम आ सकती है और प्रीलिम आपको पास करवाने में मुख्य भूमिका निभा सकती है। तो इनमें क्वेश्चन भी आती है हर साल 10 से 15 क्वेश्चन इनमें पूछे जाते हैं, 10, 20, 30 क्वेश्चन इनसे आ गए, फिर 10 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपके मान लो यहाँ से, 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ से आ गए। बाकी क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहे हैं, अगर यूपीएससी में आप 100 नंबर भी लेके आ रहे हो तो आपका हो गया, टारगेट कर लो 50 क्वेश्चन मेरे को अटेंड करने हैं, कहीं कहीं से कर लो, हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सब कुछ कर लोगे, नहीं। अगर आप इन चीज़ों पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी साथ ही साथ करंट अफेयर पे थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तो आप यूपीएससी कर सकते हो, प्रीलिम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये फोकस देख लो, इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बेसिक ईयर है, देखो 11 में इतने पूछे गए थे, तो यहाँ पे इशारा दिया गया है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए यूपीएससी कितना पूछ गई। 2016 में ये देख लो इतने क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर से, इसलिए लोगों की होड़ मच गई थी करंट अफेयर पढ़ो करंट अफेयर पढ़ो, पर ऐसा नहीं, यूपीएससी कम ज़्यादा भी पूछ सकती, तो ऐसे ओनली करंट अफेयर पे नहीं बैठना है, बाकी चीज़ों पर फोकस करना है। तो हमने देख लिया ये क्या पैटर्न था यूपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रही है, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछ रही है, वो भी हमने पैटर्न देख लिया। अब यूपीएससी की मेरिट क्या रहती, लास्ट 5 ईयर की कट ऑफ देख लो। तो आप देखो कट ऑफ में एक चीज़ नोटिस करना, यूपीएससी की कट ऑफ है ना 100 से कम ही रहती थी, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था यूपीएससी की कट ऑफ देख लो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे जनरल हो, कट ऑफ है वो 100 से ज़्यादा नहीं गई है। 88 रही थी, 87, ये 69, 40, ये देख लो कट ऑफ ये रही है। इसका मतलब है ना आपका टारगेट है आप 100 का करो, ऐसा नहीं कि मेरे को 100 सारे क्वेश्चन अटेंड करें, मेरे को 100 से 110 के बीच में नंबर लाने तो मेरा प्रीलिम हो जाएगा, इतना ही फोकस करो कि आप है ना एक बार एग्जाम 200 में से 200 नहीं लाने, आपको 200 में से 200 पूरे लाने की आवश्यकता नहीं है। आप टारगेट रखो कि मेरे को इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन है वो तो अटेंड करने ही करने, कुछ बेसिक लेवल, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो थोड़े बहुत हो जाते बहुत है, मेरा ज़्यादातर फोकस है इजी, बेसिक और एडवांस मीडियम लेवल के जो क्वेश्चन है उनको अटेंड करना है। तो ये चीज़ आप कट ऑफ भी दे सकते हो। मेंस का कट ऑफ क्या रहा है, ये मेंस का 5 सालों का कट ऑफ देख लो, 700 ये रहा है मेंस का कट ऑफ है देख लो। तो इसको देख के आपको ये भी समझ आए, जो मैं 100 नंबर कह रहा था इससे ज़्यादा नहीं आता है, ये देख लो 100 से ज़्यादा नंबर आते ही नहीं है जनरल जो जीएस के पेपर होते हैं, इसलिए आपको ऑप्शनल पे भी फोकस करना और टारगेट रहना चाहिए मेरा इतना आ जाए तो मेरा हो जाएगा। फिर फाइनल कट ऑफ ये देखो 960 रहा है, इतना फाइनल कट ऑफ रहता है, अगर इतना आ जाए तो सिलेक्शन हो जाए, इसलिए ना टारगेट रखो 100 इसमें आ गया और 150 से इसमें आ गया इंटरव्यू में, तो यहाँ तक आप ये कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये फाइनल कट ऑफ भी देख लो, इससे साबित क्या होता है, ये सारी चीज़ क्यों देख रहे हैं हम, ये सारी चीज़ें देखने से हमें समझ में आता है कि हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमें किस प्रकार से पढ़ना है। हम पढ़ तो रहे हैं, अंधी तैयारी करे जा रही है, एक सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करे जा रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट देख भी नहीं रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी नहीं हो रही है या फिर मेंस की तैयारी नहीं हो रही, मेंस में हो रहा है तो हम एक चीज़ पे फोकस करे जा रहे हैं, या तो करंट अफेयर के पीछे पड़े हैं या तो जीएस के पीछे पड़े हो, ऐसा नहीं है। आपको सबको ध्यान देना है, आपको बेसिक से मीडियम पे फोकस करना है, एडवांस लेवल में जाने की जरूरत नहीं, इसलिए जीएस का आ जाता है, ज़्यादा एडवांस में तो जाना ही नहीं। आपका जो मेंस है फोकस है वो भी बेसिक टू मीडियम होना चाहिए, प्रीलिम में भी बेसिक टू मीडियम होना चाहिए, इतनी कट ऑफ जाती है आप इस पर फोकस करोगे तो आपको है ना सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं रिसोर्सेज के बारे में, क्या क्या रिसोर्सेज इसके बारे में अवेलेबल है यूपीएससी के लिए, कोई रिसोर्सेज हैं, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रीलिम में, प्रीलिम के लिए क्या रिसोर्सेस होने चाहिए, मेंस के लिए क्या होने चाहिए। प्रीलिम के बारे में बात कर लेते हैं, हिस्ट्री, हिस्ट्री के क्या रिसोर्सेस होने चाहिए। सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री आता है, ठीक है, आर एस शर्मा की बुक आती है, बट देखो जेन्युइन बात बोले इससे अब क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, अगर आप पढ़ के जाओगे तो आर एस शर्मा से ओनली क्वेश्चन बनेंगे नहीं आपके, तो थोड़ा बहुत आपको एडवांस भी फोकस करना है। एनसीईआरटी से देखनी है, ठीक है, एनसीईआरटी आप 6th to 12th देख लो और 11th to 12th की ओल्ड भी देख लो, कुछ तमिलनाडु की बुक है, कुछ महाराष्ट्र जो एनसीईआरटी की बुक है, महाराष्ट्र की जो भी बुक है ना उनकी वहाँ पर जो पढ़ाई जाती उसी में से भी क्वेश्चन बन रहे, तो है ना एनसीईआरटी देखो यूपीएससी है ना हिस्ट्री में थोड़े क्वेश्चन पूछते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप पहले क्या जाता है आर एस शर्मा से पढ़ लो और नहीं कर लोगे आप सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, बट अभी आर एस शर्मा से हो नहीं रहा है तो आपको है ना तमिलनाडु बुक भी पढ़नी है, अगर आप पढ़ सको अवेलेबल हो आपके पास में कहीं ट्राई कर सको तो कर लो, क्योंकि यहाँ से बन नहीं पाएगा, ओनली आर एस शर्मा से एनसीईआरटी हिस्ट्री बनेगा नहीं, तो कुछ तमिलनाडु ले लो, कुछ महाराष्ट्र की भी बुक है वो देख सकते हो, तो वहाँ से अगर रेफर करोगे तो थोड़ा बहुत हो जाएगा। ये तो हो गया एनसीईआरटी हिस्ट्री के बारे में। फिर
मिडिवल हिस्ट्री के बारे में लोग अवॉइड करते हैं, मिडिवल हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, नहीं मिडिवल हिस्ट्री पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री देख लो, सॉरी उसमें तमिलनाडु बुक देख लो, साथ ही साथ में हमारा एक बुक आती है विपिन चंद्र की, वो देख लो, और उसके अलावा आप देख सकते हो एनसीईआरटी तो वैसे देख ही रहे हो, ये चीज़ें मिडिवल हिस्ट्री में देख सकते हो। आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया, बट अब नितिन सिंघानिया से भी ज़्यादा क्वेश्चन बन नहीं रहे, तो इसके अलावा थोड़ी एनसीईआरटी पे जो इमेज वगैरह दे रखी होती है उस इमेज वगैरह पे फोकस करो, उसके नीचे क्या लिखा है उस पे भी फोकस करो, थोड़ा बहुत ऐसे करोगे तो नितिन सिंघानिया से भी बन जाएगा। एनसीईआरटी तो आपको देखनी है, ठीक है, मॉडर्न में भी देखनी है, तो ये इसके बारे में देख लो। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या देखना है, मॉडर्न हिस्ट्री में एक तो स्पेक्ट्रम देख लो, स्पेक्ट्रम से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, स्पेक्ट्रम देख लो, साथ में एनसीईआरटी देख लो, मॉडर्न हिस्ट्री देख हो जाएगी। तो हिस्ट्री में क्या क्या देखना है, एनसीईआरटी देखनी है, तमिलनाडु जो स्टेट की बुक होती है वो देखनी है, महाराष्ट्र की अगर देख सको, महाराष्ट्र तमिलनाडु एक देख लो, ठीक है, फिर विपिन चंद्रा है, फिर स्पेक्ट्रम है, आर एस शर्मा है, ये चीज़ें अगर हिस्ट्री में देख लो और एनसीईआरटी देख ली, और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया देख लो, वो कोई विकल्प है नहीं आपके पास में, ये हो गया हिस्ट्री में। फिर ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें बैठनी है, जी सी लियो बहुत ज़्यादा दे रखा है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप एनसीईआरटी देख लो, ज्योग्राफी में तो आपकी है ना फिजिकल ज्योग्राफी हो जाएगी, एनसीईआरटी बहुत अच्छी दे रखी है। जी सी लियोंग देखोगी बहुत लंबी चौड़ी है, हिंदी मीडियम अवेलेबल है नहीं, इंग्लिश मीडियम अवेलेबल है, तो आपको जी सी लियोंग देखने की आवश्यकता नहीं, एनसीईआरटी देख लो, ठीक है, आपका कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी देखनी है जियोग्राफी के लिए, तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 to 12th की देख लो, पहले 11th की पढ़ लो, फिर 12th की, फिर 9th की, 8th की, 7th की, 6th की, ऐसे उल्टा पढ़ना है, ताकि है ना कुछ चीज़ें यहाँ पे कवर होगी जाए, आपको छठी में वो देखनी नहीं पड़ेगी, तो उल्टी जीसीईआरटी आपको, सॉरी एनसीईआरटी आपको कवर करनी है जियोग्राफी में, तो एनसीईआरटी कवर करनी ही है। उसके बाद में एटलस वगैरह तो देखना है आपको, मैप देखना है, डेली जो प्लेस एंड न्यूज़ में जो आती है वो देखनी है, करंट अफेयर देखना है, तो यहाँ से क्या पता चलता रहेगा कि न्यूज़ में क्या है। फिर जो मैप होता है वो तो है ही, रिवर वगैरह कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो होती है, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। जिस जियोग्राफी के बारे में बात करें, जियोग्राफी में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो होता है मैप बेस्ड होता है, ठीक है, मैप में कोई भी लोकेशन उठा के पूछ ली जाएगी। फिर एक क्वेश्चन ऐसा होगा या तो रिवर्स इनसे संबंधित होगा, या ठीक है थोड़ा एनवायरनमेंट से मिक्स करके जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ज्योग्राफी में 4 to 5 क्वेश्चन होंगे स्पेसिफिक ज्योग्राफी में, एनवायरनमेंट से संबंधित अगर क्वेश्चन है तो वो 10 to 15 हो जाते हैं। तो 5 to 6 क्वेश्चन होगा, उसमें एक मैप बेस होगा, एक रिवर इन सब से मिक्स होगा, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह से संबंधित होगा, एक होगा वो एग्रीकल्चर वगैरह से संबंधित। तो ये सारी चीज़ें फोकस करोगे, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर भी फोकस कर लिया, ठीक है, तो आपका ज्योग्राफी हो जाएगा। पॉलिटी के बारे में बात कर लो तो लक्ष्मीकांत देख लो, ठीक है, और एनसीईआरटी 11th और 12th की देखना, एनसीईआरटी इसमें सारी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लक्ष्मीकांत भी काफ़ी अच्छी है, बट न्यूज़पेपर को है ना आपको फॉलो करना है। न्यूज़पेपर में फॉलो करने से क्या हुआ, अब यूपीएससी है ना कुछ टर्म भी पूछ लेती है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह होते हैं वहाँ से भी स्टेटमेंट निकाल के पूछ लेती है, तो ये है ना मिलता नहीं कहीं एनसीईआरटी में, नहीं मिलता है ना, है ना इसमें पॉलिटी वगैरह में कहीं मिलता है, लक्ष्मीकांत वगैरह में, तो ये चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, ये न्यूज़पेपर में मिलेगी। न्यूज़पेपर में कुछ टर्म्स वगैरह होगी तो वहाँ पे वो मिल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया था कि उससे संबंधित क्या होता, तो ये जो आपको वहाँ से मिलता, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि साथ साथ में ये न्यूज़पेपर में कुछ टर्म्स वगैरह पढ़ रहे हो तो आपको एक तो लक्ष्मीकांत ईजी भी लगेगी, साथ साथ में अगर ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट न्यूज़ पेपर से उठा के पूछी तो वो आप सॉल्व भी कर पाओगे। तो इसलिए पॉलिटी में लक्ष्मीकांत भी पढ़नी है, साथ साथ में न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी 11th 12th की पढ़ सको तो पढ़ लेना, तो वो हमने देख ली। इकोनॉमी में देखो कोई स्पेसिफिक बुक है नहीं, मैं कोई सजेस्ट नहीं करूँगा इकोनॉमी की कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ना, बिकॉज की क्या है सारी है ना काफ़ी वास्ट है। मैं एक सजेस्ट करूँगा, कोई कोचिंग सजेस्ट करता तो नहीं हूँ, पर कहीं से आपको मोरनाल सर के लेक्चर मिल जाए ना वो ज़रूर पढ़ लेना, अगर आपको कहीं लेक्चर मिल जाए मुरनाल सर के, हालांकि मैं कोचिंग को सजेस्ट नहीं करता बट मुरनाल सर को तो मैं सजेस्ट करता हूँ, तो मुरनाल सर के आपको लेक्चर मिल जाए, इनके जो पीडीएफ वगैरह मिल जाए तो इसको थरोली फॉलो कर लेना, काफ़ी अच्छे हैं, सॉल्व हो ही जाते हैं, ठीक है, तो इसको मुरनाल सर के लेक्चर पढ़ सकते हो। बाकी एनसीईआरटी वगैरह कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ लो, अगर मुरनाल सर के ना मिले तो क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, साथ में एनसीईआरटी की 11th की कुछ बुक है उसमें कुछ पॉइंट है वो पढ़ लो, और 12th की कुछ पढ़ लो, ठीक है, ये दो चीज़ें पढ़ सकते हो, और बाकी वही है कि जो न्यूज़पेपर है उसको तो डेली फॉलो करना ही करना है। उसके बाद में आईआर से संबंधित, आईआर के देखो प्रीलिम में कोई क्वेश्चन बनते नहीं, करंट को ज़्यादा फॉलो करो, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, करंट को ज़्यादा फॉलो करो, आईआर आपका हो जाएगा, तो इससे आपका ये हो जाएगा। सी सेट में क्या पढ़ना है, सी सेट में ना प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज़ पढ़ने, पहले तो पीवाईक्यूज़ देख लेना, यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ देखोगे, साथ में क्या होता है मैनुअल होता है वो देखते रहो, यूपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे वो देख लो, पेपर को सॉल्व करना है इस प्रकार की जो है ना वो कर सकते हो आप, तो आपको सी सेट हो जाएगा। सी सेट में जो तो टॉपिक वाइज पढ़ो कि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, पजल सॉल्व कर रहे हैं, सी सेट में अलग अलग होते हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन होता है, उस वाइज टॉपिक उठा के आप कवर करो तो हो जाएगा। फोकस होना चाहिए आप किस चीज़ पे पढ़ रहे हो, तो थोड़ी थोड़ी आप चीज़ें फोकस करोगे तो सी सेट भी हो जाएगा। सी सेट में पैसेज ज़्यादा आते हैं, इसको देख के आंसर देते हैं,
इस पर भी थोड़ा बहुत फोकस करोगे, ये फोकस करोगे तो ये आपके 15 से 20 नंबर के तो ये आ जाते हैं, तो उस पर भी आप सीसेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से आप सीसेट कर सकते हो। उसके बाद में मेंस के लिए क्या है, मेंस के लिए हिस्ट्री के लिए देख सकते हो आप, ये सारी बुक लग सकते हो। नितिन सिंघानिया है, विपिन चंद्रा है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंस के लिए भी विपिन चंद्रा है, फिर आर एस शर्मा है, सतीश चंद्रा है, इन बुक को देख सकते हो। ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन देख सकते हो, देखो यहाँ पे काम आ सकती है ज्योग्राफी। बाकी एनसीईआरटी तो फॉलो करनी है, एनसीईआरटी तो सब में फॉलो करनी ही करनी है, ऐसे मैं मना नहीं करूँगा एनसीईआरटी फॉलो में, तो एनसीईआरटी डेफिनेटली फॉलो करनी, पॉलिटी के लिए भी करनी है, साथ ही साथ फिर इकोनॉमी के लिए भी, एथिक्स के लिए भी, सॉल्व पेपर के लिए भी आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद में प्रीवियस ईयर के पेपर आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर के पेपर हम खुद भी सॉल्व करवाएंगे तो वहाँ से भी समझ में आ जाएगा तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। अब प्रीलिम हो मेंस हो, कुछ सजेशन आप ये चीज़ें ध्यान रखना, पी वाई क्यू जरूर देख लेना। पी वाई क्यू क्यों देखना, यू पी एस सी अलग अलग एग्ज़ाम करवाती है, जैसे कि यू पी एस सी सी एस सी का एग्ज़ाम होता है, सी आर पी एफ का होता है, ठीक है, सी डी एस का एग्ज़ाम होता है, तो ऐसे ऐसे यू पी एस सी अलग अलग एग्ज़ाम करवाती है। ये एग्ज़ाम के जितने भी पी वाई क्यूज़ होते हैं ना वो भी आप देख लेना, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं वो यू पी एस सी प्रीलिम में भी पूछ सकती है, तो प्रीलिम के लिए यू पी एस सी जो एग्ज़ाम करवाती है उसके पी वाई क्यूज़ देख लो, साथ ही साथ में यू पी एस सी के खुद के जो सी एस सी के पी वाई क्यूज़ है वो देख लेने, उसमें जो गलत आंसर दे रखें उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 4 ऑप्शन है उसमें से 1 से ये 3 गलत है तो तीनों के बारे में भी पता होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। रिपीट नहीं करती बट एक अनुभव हो जाता है, पता चल जाता है कि यू पी एस सी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रही है, यू पी एस सी आखिर चाहती क्या है, वो आपको एक माइंड सेट समझ आता है एग्जामिनर का कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, किस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछता है। लोग कहते हैं फैक्ट बेस्ड यू पी एस सी क्वेश्चन नहीं पूछती, पर कई बार यू पी एस सी फैक्ट में भी क्वेश्चन पूछ लेती है। लोग कहते हैं यू पी एस सी डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछती, पर कई बार डायरेक्ट स्टेटमेंट यू पी एस सी कुछ क्वेश्चन पूछ लेती है। कुछ लोग ट्रिक लगाते हैं बट ट्रिक किसी भी कहीं क्वेश्चन यू पी एस सी के सॉल्व नहीं होते, तो आपको पी वाई क्यूज देखने से समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ें पढ़नी है क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, तो आपको क्या पढ़ना से इम्पोर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है, अगर आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना, अगर ये आपको पता है तो आप एग्ज़ाम अच्छे से निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको पता करना कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है तो सबको पता है, सब कुछ पढ़ना है, पर उसमें से क्या छोड़ना है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपको पता है तो यू पी एस सी प्रीलिम आप निकाल सकते हो, तो ये चीज़ आपको पता है। उसके अलावा मेंस तो हमने देख लिया, फिर कुछ लोग बात करते हैं कि ये रिपोर्ट वगैरह ए आर सी की रिपोर्ट होती है वो पढ़नी चाहिए, देखो आपका सारा सिलेबस हो गया तो ए आर सी की रिपोर्ट भी पढ़ सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे तो आपको डेफिनेटली पढ़ना है, जो भी लेटेस्ट आ रहा है वो दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंडियन सॉरी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ लेना है, अगर हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में पढ़ लो, इससे क्या आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी, आपका जो लिखने का तरीका है वो अच्छा हो जाएगा, आप अच्छे से लिख पाओगे, इसलिए आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। बजट तो पढ़ना ही है, ठीक है, बजट पढ़ने से क्या होगा, बजट में काफ़ी सारे क्वेश्चन भी बन जाते हैं प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए। फिर फाइनेंशियल कमीशन की जो रिपोर्ट आती है वो भी पढ़नी है, एनुअल रिपोर्ट आती है सेंट्रल मिनिस्ट्री की वो भी है, करंट अफेयर तो फॉलो करना ही पड़ना है, न्यूज़पेपर को फॉलो कर लो, योगजा मैगजीन ये पढ़नी है। देखो सब कुछ हो गया है तो आप पढ़ सकते हो, दूसरा तीसरा अटैम्प्ट है तो पढ़ सकते हो, पहले अटैम्प्ट में ये नहीं पढ़ना। पी आई बी भी सब कुछ हो जाए तो पढ़ना, नहीं तो नहीं पढ़ना। नीति आयोग का एक्शन वगैरह ये तो आपको पढ़ना ही है, इससे क्या समझ में आ जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं राज्यसभा टीवी देखिए, लोकसभा टीवी, ये नहीं देखना, अगर सब कुछ हो जाए तो देखो, नहीं तो मत देखो, पहले वो ही नहीं हो रहा इतना सारा तो ये कहाँ से करोगे, इन सारी चीज़ों में पढ़ना नहीं है। अब आ जाती है करंट अफेयर की, कि करंट अफेयर कैसे करना है, ठीक है, न्यूज़पेपर किस प्रकार से रीड करना है, करंट अफेयर किस प्रकार से पढ़ना है, इनके बारे में बात आ जाती है। तो करंट अफेयर के लिए सबसे पहले कोई आप एक न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर लो, कोई भी ऐप, लोकल फ्यूचर, द हिंदू पढ़े या इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, इन दोनों में से पढ़े कौन सा, बहुत लोग अलग अलग देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, कोई लोग बोलते हैं कि द हिंदू पढ़ लो, आपको कन्फ्यूज नहीं पढ़ना, कोई भी पढ़ लो दोनों में से, द हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, जो न्यूज़ आज इसमें आई 2 दिन बाद में इसमें आ जाएगी, तो ये दोनों इक्वल ही है। अब बोलेंगे कि इससे क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा आप कोई भी एक पढ़ लो, दोनों में से न्यूज़ कवर हो जाएगी, इसमें जो एडिटोरियल होते हैं वो अच्छे होते हैं, इसकी न्यूज़ अच्छी होती है, प्रीलिम वाले जो न्यूज़ होती है वो इसमें अच्छी होती है, इसके एडिटोरियल अच्छे होते हैं, तो दोनों में से कोई भी एक उठा के पढ़ लो, दोनों ही आपके सेम ही आते हैं, सेम ही कवर कर लेंगे, तो कोई भी एक पढ़ लो, ध्यान बिठा लो, एक बात तय कर लो, कोई भी एक उठा के पढ़ लो, ठीक है। माना कि हमने द हिंदू सेलेक्ट कर लिया या इंडियन एक्सप्रेस सेलेक्ट कर लिया, अब इसको कैसे पढ़ना है, क्या इसको खुद उठा के पढ़ना है, हाँ इसको खुद भी उठा के पढ़ना है। अब लोग कहते हैं कि नहीं, लेक्चर आता है वो देख लो, या फिर पीडीएफ आती देख लो, वो चीज़ें अच्छी होती है, ठीक है, वो देखो कोई बात नहीं, पर अगर वो चीज़ नहीं देख रहे हो फिर तो न्यूज़पेपर देखो, साथ ही साथ में न्यूज़पेपर देखने से आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी, आपका लिखने का तरीका वो डेवलप हो जाएगा, थोड़ा बहुत साथ में देख लिया करो खुद भी, अगर खुद नहीं देखते हो तो लेक्चर है। अब तो बहुत सारे लोगों अलग अलग यूट्यूब चैनल पर आ जाते हैं तो फ्रीली लेक्चर आ जाते हैं, फ्रीली पीडीएफ आ जाती है, अब वो दोनों मीडियम है, लोगों की एक चिंता रहती है कि हिंदी मीडियम के लिए क्या है,
हिंदी मीडियम के लिए ना तो हिंदू है ना इंडियन एक्सप्रेस है। हिंदी मीडियम क्या करे, हिंदी मीडियम है ना हिंदू और ये जो होता है इंडियन एक्सप्रेस, दोनों की समरी आज है ना, अलग अलग यूट्यूब चैनल है, अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स है, वहाँ पर आ जाती है, दोनों की समरीज भी आती है, दोनों के लेक्चर भी आते हैं, हम खुद अपलोड करते हैं वहाँ पर, आप देख सकते हो कि दोनों के मिल जाएंगे। तो आपको दोनों में से एक पढ़ना है, कोई भी एक पढ़ो, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करके पढ़ लेना है, इसके एडिटोरियल आते हैं वो पढ़ने। अब चलो कि ठीक है, खुद पढ़ रहे हैं, यूट्यूब चैनल नहीं कर रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, तो कैसे पढ़ने, पॉलिटिक्स से संबंधित न्यूज़ है नहीं पढ़नी, छोड़ दो उसको, ठीक है। फिर कुछ न्यूज़ आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, बहुत एडवांस लेवल की आती, मत पढ़ो। खेल पेज आता है, मत पढ़ो। एडवर्टाइजमेंट तो वैसे पढ़ोगे नहीं। क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, साइंस एंड टेक की काम की चीज़ पढ़नी है, एनवायरनमेंट की कुछ चीज़ आ गई पढ़नी है। जैसे कि इसमें एक न्यूज़ आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के बारे में ये बोला, केजरीवाल जी को अरेस्ट कर दो, केजरीवाल जी पॉलिटिक्स हो गए हमारे, नहीं पढ़ना, ईडी के बारे में पढ़ना है, तो ऐसे पता करना चाहिए आपको, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है। तो जो न्यूज़ आएगी ना उसमें बात होगी पॉलिटिक्स की, बट उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसको आप कोट कर सकते हो कहीं मेंस में। ईडी के बारे में देखा, ईडी पढ़ लो, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कि न्यूज़ आ गई, भारत सरकार है वो बैन कर रही है, जो काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा रही है, किस पे काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा रही है, कुछ चीज़ें ऐसी कर रही है, तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये इकोनॉमी की चीज़ काम आ जाएगी, वो चीज़ है वो नहीं पढ़ना है आपको। इसमें जो चीज़ यूज़ हो रही है, जो हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से काम आ सकता है, वो चीज़ आपको पढ़नी है। तो पॉलिटिक्स नहीं पढ़नी है, ऐसी चीज़ जो हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव, न्यूज़ ज़्यादातर हमारे लिए काम नहीं होती, उसमें जो चीज़ें यूज़ होती वो हमारे लिए काम की हो सकती है, तो वो होते एडिटोरियल तो हमारे लिए काम की है, तो वो चीज़ें आप फोकस कर सकते हो। इस प्रकार से आप करंट अफेयर कर सकते हो, डेली करंट अफेयर पढ़ना है। फिर मैगजीन वगैरह देखो, योजना वगैरह या कुरुक्षेत्र है वो पढ़ना नहीं है। मंथली मैगजीन या तो मंथली पढ़ लो या ईयरली पढ़ लो, दोनों में से एक पढ़ लो, सारी चीज़ें हो जाएगी। कितने सालों का करंट अफेयर पढ़ना है, कम से कम 1.5 साल का यूपीएससी करंट अफेयर पूछती है, कम से कम है ना आपको 1.5 साल का करंट अफेयर पता होना चाहिए। अगर 1.5 साल का करंट अफेयर पता नहीं यूपीएससी, अब तो बहुत पुराना भी पूछ लेते हैं, पहले कहा जाता है 1 साल का पढ़ो, नहीं अब 1.5 साल का पता रखो, यूपीएससी पुराने करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछती है, ठीक है जी। तो आपको करंट अफेयर पढ़ना है, फिर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे तो एक तो लेटेस्ट पढ़ो, और थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह है वो 2-3 सर्वे का पुराना भी पूछ लो, क्योंकि उसमें भी मेंस की कुछ टर्म्स याद आती है जो आपको एग्जाम में काम आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद में एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी है ये सारी दे रखी है, इसमें से आप ये एनसीईआरटी पढ़ रख सकते हो, एक बार देख सकते हो अच्छे से, इस पीडीएफ को, पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, तो इससे क्या समझ में आ जाएगा आपको कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। ये एनसीईआरटी इसमें से ये चैप्टर पढ़ना है, जैसे कि बायोलॉजी की है ना, ये चैप्टर पढ़ लो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो आपके हो जाएगा। एनवायरमेंट के देख लो, तो ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी मैंने दे रखा पीडीएफ में, एक बार आप यहाँ से देख सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है बार बार, नोट्स कैसे बनाने नहीं बनाने। देखो कुछ चीज़ जैसे कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं। हिस्ट्री आर एस शर्मा, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं। स्पेक्ट्रम की नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नोट्स के फॉर्म में ही, तो इसके नोट्स क्या बनाओगे, टाइम वेस्ट करोगे। फिर द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इसके नोट्स बनाए। अगर आपको ये है ना फॉलो कर रहे हो, कोई पीडीएफ है, कोई यूट्यूब लेक्चर है, तो वहाँ पे तो वो नोट्स बना के खुद ही दे देते हैं, उसके चैनल पे डाल ही देते हैं। अगर वो नहीं फॉलो कर रहे, खुद ही नोट्स न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे जो स्पेसिफिक कोई टर्म वगैरह हो, कुछ मेंस में कोट कर सकते हो वैसी चीज़ें, उसको लिख लिया करो कहीं पे, वहाँ पे नोट्स बना सकते हो। नोट्स है उस छोटे होने चाहिए, शॉर्ट्स होने चाहिए, ताकि आपके रिवीजन में काम आए। बाकी जो बड़ी चीज़ें उनके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। मंथली मैगजीन आती है, ईयरली मैगजीन आती है, वो तो वैसे नोट्स फॉर्म में आती है, तो वो लोग मेहनत कर रहे हैं, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं। तो आप तो ओनली पढ़ाई करते जाओ, फालतू इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, नोट्स बनाने नहीं पढ़ने। जितना सिलेबस और रिसोर्सेज कम होगा ना, सिलेबस तो चलो है ही बड़ा, रिसोर्सेज जितने कम होंगे उतना ईजी हो जाता है आपका। रिसोर्सेज कम मतलब आप है ना पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग के नोट्स भी पढ़ रहे हो, किसी और पीडीएफ भी पढ़ रहे हो, माइंड में भी पढ़ रहे हो, टेलीग्राम के ग्रुप के चक्कर में फंस के मत रह जाना। बहुत सारे अलग अलग नोट्स आते रहेंगे, सबको नहीं पढ़ना, कोई भी एक चीज़ उठाओ उसको ख़त्म करो, बार बार रिवाइज करो, होना है तो उसी से भी हो जाएगा, नहीं होना तो फिर किसी से भी नहीं होना चाहिए। आपको कम लगेगा हर साल, ये मैंने पढ़ा है ना, ये चीज़ एक्स्ट्रा इसमें नहीं थी, तो ये भी इसमें लिख लेता हूँ, ऐसे तो एंड ही नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं पढ़ी होगी, उसका एंड ही नहीं, एक चीज़ उठाओ ख़त्म करो, उसको बार बार रिवाइज करो, वो चीज़ पता होनी चाहिए, वो चीज़ पता नहीं और रिसोर्सेज ले आए, तो रिसोर्सेज जितना कम है इतना अच्छा है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, पढ़ना तो है, बट काम की चीज़ें ये इतनी सारी लिखी हुई है, एनसीईआरटी है, जो आपकी कुछ बुक्स है वो सारी पढ़ लो ना, खत्म, ये खुद ही खत्म नहीं होगी, उसके बाद में दूसरों में जाओ ना, पहले तो ये सारी खत्म होनी चाहिए, इस सब में सबके बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में दूसरों में जाओ तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हमने क्या क्या देखा, हमने यही देखा कि सबसे पहले यूपीएससी की तैयारी क्यों करनी है, वाई यूपीएससी, ठीक है, तैयारी करनी है, आपने स्टार्ट कर लिया, यूपीएससी फिक्स है। उसके बाद में हमने बात करी कि यूपीएससी का पैटर्न कैसे होता, प्रीलिम का एग्ज़ाम होता है, मेंस का होता है, इंटरव्यू होता है, हमने देखे कितने कितने नंबर के होते हैं, मेरिट कैसे बनती है वो भी देखी। फिर हमने सिलेबस के बारे में बात की, अलग अलग सिलेबस देखा,
फिर PYQs हमने देखा कि PYQs डिस्कस करना है, UPSC के प्रीलिम्स ईयर के भी देखने, मेंस ईयर के भी देखने, UPSC और कुछ एग्जाम भी करवाती है CDS वगैरह उनके भी PYQs देखने। फिर हमने देखा करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर के लिए हमने न्यूज़पेपर कैसे सेलेक्ट करना है, द हिंदू करें, इंडियन एक्सप्रेस करें। फिर ऑप्शनल के बारे में बात करी, ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करनी है, ऑप्शनल एक बार सेलेक्ट होगी उसके बाद में हमने देखा मेंस की कैसे तैयारी करनी है, मेंस के बारे में देख लिया, इसके नंबर देख लिए कितने नंबर आते कितने नहीं आते, नोट्स बनाने की नहीं बनाने थी, ये सारी चीज़ें देखी। तो इस लेक्चर में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अच्छे से तैयारी करो, इन चीज़ों पर फोकस करो, बार बार रिवाइज करो तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।